hope you all are doing great. So this is my Vika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So आज का व्लॉग भी आपके लिए काशिफ खान जो है वो शूट कर रही है। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, कुर्ती शुर्ती पहन के, वाइट दुपट्टा पहन के, और हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली बाहर, और बाहर हम डिनर पर जा रहे हैं। और आप लोग को पता चल गया स्टोरीज से कि मेरे साथ डिनर पर कौन है, तो ऑफकोर्स व्लॉग तो शेयर करना ही था। इतने सारे मेरे फैंस हमेशा बोलते हैं प्लीज 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 मीटअप प्लान कर ले, मीटअप प्लान कर ले। तो भाई ऐसे छोटे मोटे मीटअप हमारे होते रहते हैं, इस बार मैंने व्लॉग शूट कर लिया आप सबकी फरमाइश पर। तो प्लीज बहुत सारा प्यार बरसाना है, आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग प्यार नहीं बरसाओ। जितना आप लोग को इंतजार होता है ना, उससे कहीं 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 ज्यादा प्यार बरसाना है मेरी वीडियो पर, ठीक है, हुसैन और मेरी दोनों की वीडियोज पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हुसैन भी अब हाइपर एक्टिव हो जाएंगे यूट्यूब पर, होप फॉर द बेस्ट, दुआओं में याद रखें हमेशा, और उनको कहें कि वो हो जाएं एक्टिव। वैसे तो हो गए हैं बट फिर भी। सो चलिए चलते हैं, रेडी हो गए हैं, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, सो वहां जाके आप लोगों से मिलते हैं। 2000 years later. So guys, हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट खाना पीना करने। मैं भी आ गया। मैं सोच रही थी ना एक छोटा सा ब्लॉग बना दिया जाए और डेली आप लोग को अपडेट कर दिया जाए इस मंथ, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ ब्लॉग अपलोड करें। सारी फरमाइशें आ रही हैं, प्लीज़ आप डेली ब्लॉग अपलोड करें, डेली ब्लॉग अपलोड किया करें, हमें देखना है रोज़ आपको, आप रमजानों में अच्छा कर दी है वो। तो मैं सोचा कि अगर ट्राई करें, थोड़ी सी मेहनत लगी है, आई नो थोड़ी भी बहुत मेहनत लगी, बट आई एम माई बेस्ट गाइड आप सबके लिए। नेक्स्ट मंथ से मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपलोडिंग करूँ, बट अभी जितना ये मंथ रह गया है उसमें मैं सोचूँ कि डेली ही अपलोडिंग करूँ। सो या लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, विश मी बेस्ट ऑफ लक टू गाइस। शरीर इज ऑल्सो विथ मी, मम्मा इज ऑल्सो। ये पूरे पार्टी का अंदर नजारा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं पूरे पाकिस्तान का नजारा है। आप इसकी उर्दू चेक करें, ये इतने से नवाब और इनकी उर्दू चेक करो आप। वो नवाब साहब चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि इनको भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ऑर्डर हमने खाना कर दिया है एंड अभी खाना आने वाला है। तो ये आप लोग सोचेंगे मुझे गजरे किसने दिए, भाई ब्रदर्स डे कल था, मैंने अपने भाइयों को कुछ लिखा मुझे नहीं पता था, और ये लोग मुझसे आज शिकायत कर रहे कि आपने हमें गिफ्ट नहीं दिया, आपने हमें कुछ नहीं किया। मैंने बोला भाई जिंदगी में तुम लोग अगर ब्रदर्स डे मनाए तो मुझे शिकायत ही मुझे दिए हैं बहुत ही प्यार से गजरे इसने, ये मेरा भाई बहुत अच्छा है, सारे ही अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है। मैं बोला कि आपने भी ज्यादा नहीं, मैं जितना दिया था लेकिन मैंने ये दो दो दिन तो अंदर, एक तो घूम आया था उसके साथ वो भी मिला और एक चॉकलेट खाके वो भी मिला। वो पैकेज आपने खराब भी कर दिया, सारी चॉकलेट तुमने खा भी ली है ना। मैं लोगों को क्या दिखाऊंगी, वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा मैं इसके लिए। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ सोचती हूँ, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। मेरा ही है क्या? नहीं अच्छा सूप मैं इसलिए पी रही हूँ बिकॉज कल मुझे जाना है वोकल पर, इंशाल्लाह उसका ब्लॉग मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। वोकल करवाने में मेरा गला अनफॉर्चुनेटली अचानक से खराब हो गया, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। सुबह से गर्म गर्म चीजें ट्राई कर रही हूँ, कभी चाय पी रही हूँ, कभी ग्रीन टी, कभी कॉफ़ी, कभी कुछ, ये सब मेरा चला जा रहा है। अभी मैं सोचा मैं बाहर कोई ऐसी चीज़ पी लेनी चाहिए, खा लेनी चाहिए जिससे मेरा गला ठीक हो जाए, तो इसलिए मैंने सूप मंगवा लिया है। सैन दावेबाजी कर, ओ आज तो आप ही हैं, ओ ओ एक मिनट एक मिनट, क्या कौन मैं हुसैन साहब मेरे साथ हैं वेरी फर्स्ट टाइम बाहर, वेरी फर्स्ट टाइम बाहर, 3 साल से बाहर। बोल के बाद से हम बाहर गए हैं काफी टाइम, ये कहने का मकसद मैं आप लोग शेयर कर देती हूँ। मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग खाना शाना आ चुका है, बिरयानी इनकी फेवरेट, हलीम इनकी फेवरेट। मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकले, खाना खाना आ चुका है, पानी वानी पी लिया है, क्या होता जा रहा है। खैर खाना हमारा आ चुका है, एंड ये मलाई बोटी मुझे बहुत पसंद है, इतनी मजे की होती है ना। खैर अब हम वेट नहीं करेंगे, अब हम खाना खाएंगे। और ये हुसैन ने बहुत बहुत ज्यादती की है, इतना ज्यादा सूप भरा हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं पिया है, ये खाना देखिए कि उस पे चले गए। बोला कि आप पहले पी लें सूप, उसके बाद खाते रहेंगी।
हाँ बट खाना लग जाता है ना, बट मैं सूप अभी नहीं पीना, पराठा भी खाती हूँ ना। बोलो बोलो। क्योंकि आप पानी भी पीती है ना, तो पराठा बन के लगता है। हाँ। मैं खाना चाह रहा हूँ, खा लो आप। मतलब मेरा दिल चाहता है मैं खाती रहूँ खाती रहूँ, और डाइटिंग भी करती रहूँ करती रहूँ करती रहूँ, तो ये सारा सीन मेरा चलता रहता। तो आप सपने से उठ जाए डाइटिंग पे आ जाओ। अचारे में ककड़ी हो जाओ, ककड़ी मुझे नहीं। अच्छा खाना खाना खाएं, चल इनको नहीं पसंद। डन विद द फूड, और हमने एक रील बनाई थी वो भी हमने बना ली है, बहुत ही कमाल रील। हालांकि हमारी हालत ऐसी थी नहीं, बट फिर भी हमने एक बहुत ही अच्छा सा कंटेंट निकाल लिया। क्यों भाई? और लिटरली ये वीडियो में इतने अच्छे लग रहे हैं ना। ये क्या हुआ? क्या क्या पूछा? लिटरली क्या हुआ था? हमने वीडियो बना ली ना, कॉन्टेंट बोल दिए, कितनी प्यारी बनी, बहुत अच्छी। वो भी तो मैं बोलूँ ना, मतलब ये अब हम जाएंगे घर की तरफ, एंड घर जाके मे बी हम वो वीडियो शूट करें। सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ। घर आते के साथ ही मैंने देखा था ये मोटू साहब जो वो यहाँ सो रहे हैं, इनको भी हमारे साथ जाना था लेकिन ये नहीं गए, क्योंकि ये है डाइटिंग पर। इन्होंने कहा कि मैं इतना सारा खाना नहीं देख सकूंगा, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मेरी डाइट ख़राब हो जाएगी, ये सारी बातें इसके जहन में चल रही थी, तो इसलिए हमारे साथ नहीं गया। बट ये घर में बैठे बैठे बोर होते होते सो गया। इसके साथ हम एक नाटक करेंगे। हुसैन जो हैं वो जा चुके हैं, एंड मैं भी फ्रेश हो चुकी हूँ, फेस वॉश कर लिया है, सुकून मिला है, और अब मेरा टाइम है योगा करने का। मोस्टली मैं रात में ही योगा करती हूँ, रात में ही स्टार्ट होता है मेरा योगा टाइम। और एंड या योगा टाइम स्टार्ट हो गया, दो दिन से मैं नहीं कर रही थी बिकॉज स्किप हो रहा था काम की वजह से, और कल फार्म हाउस आना था तो इस वजह से स्किप हो गया था, तो इसलिए अब मैं योगा करूँगी एंड फिर उसके बाद ग्रीन टी पीऊँगी। मतलब ये सब मेरा चलता रहता है, ग्रीन टी तो मस्ट है और योगा भी मस्ट है, समटाइम्स रह जाता है जस्ट बिकॉज कि मैं अगर बिजी हुई तो वो रह जाता है, बट वैसे ठीक है। सो गाइस, डन विद द योगा एंड हियर आई एम। ग्रीन टी भी मेरे पास है, और ग्रीन टी मैं योगा के बाद मस्ट पीती हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, ज़्यादा जल्दी फर्क आपको महसूस होता है, तो इसीलिए अब बस मैं सोऊंगी। बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, बट थक भी गई हूँ, क्योंकि हमें रात में योगा में इसलिए करते ताकि जो भी थकन शकन है वो उतर जाए, सो जाऊँ मैं आराम से, मस्त नींद आती है, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ सोने। आप लोग प्लीज़ व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप लोगों से मैंने शेयर कर दिया, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इंशाल्लाह रील्स भी मैं इंस्टा पर अपलोड करूंगी, हुसैन भी अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।